फोकस अब डेवलपमेंट के साथ साथ मानवता को बचाने को है, और जब फोकस करेंगे तो फंड को भी आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसी के लिए अभी आपने देखा होगा आकस्मिकता निधि लिया है। तो इन सब चीजों को सुखाड़ में अभी हमने मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंस जो केंद्र सरकार से किया है सुखाड़ में, फेडरल सिस्टम में केंद्र की भी कुछ प्रतिबद्धता होती है, उस आंकड़ों को हमने केंद्र को भेजा है। यदि वो 9600 करोड़, लगभग 9612 करोड़ का हमने डिमांड किया है कि मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट इन दिस ड्रॉट, और उस पर वो उनके पदाधिकारी आ रहे हैं, उनको जितनी लेवल की क्वेरी चाहिए हम दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो पिछले बार आपने देखा होगा 18-19 में उस समय की सरकार ने जो फसल बीमा कराई थी, और उसके बाद बीमा कंपनियों का जो कमिटमेंट में हमने कमी पाया था, बीमा की राशि उन्होंने नहीं दी थी, तो हमने इस बार भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के रितेश चौहान जी को यहाँ पर बुलाया था, और उन्होंने कहा कि जो एस्योर्ड क्लेम है 816 का उसका एफिडेविट ये दे रहा 25% लोगों को पहले ही पैसा अवेल कराना था जो MOU में था, इन्होंने क्यों नहीं किया इसका जवाब दे रहा। और यदि यह फिर भी हमको एफिडेविट देने को तैयार है सारी प्राइवेट बीमा कंपनियां, तो फिर हम इनको प्रीमियम देने को तैयार हैं, क्यों नहीं हम देंगे। तो जो पैसे जिनकी उम्मीद किसान खो चुके हैं उसकी भी कवायद हमने सकारात्मक रूप से शुरू की है, विभाग ने शुरू किया है, किसानों को आने वाले दिनों में कैसे एस्योर्ड इरीगेशन एरिया लें उसमें हम बढ़ोतरी कर सकें, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, क्योंकि उसके पास भी बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर हैं, इन सब के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में काम करते हैं। नहीं नहीं शिकायत नहीं, देखिए संवेदनशीलता कहाँ है। हम कल क्षेत्र में किसान आए कि ऐसे समय में हम सुखाड़ से थे, हमने पैसा बिजली बिल पे नहीं किया, अधिक हो गया, बिजली विभाग का नियम है कि आप इतना से ज्यादा होगा तो आपका कनेक्शन काट देंगे, नहीं तो आप पर FIR, जो नियम है कानून है ये आज से नहीं है पहले से। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में यदि हमें एक महीने की और मोहलत मिल जाती आप जो 3500 भेज रहे वही पैसा हम दे देते। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सरकार आज खुद आप खेतों में आए हैं तो हमने तो तत्काल वहाँ के GM से आग्रह किया कि एक महीना रुक जाओ और आप कैंप लगाइए, कैंप लगा के हर महीने आप पैसे दीजिए, ये भी चाहते हैं कि पैसे हम दें, इसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दूंगा इस बात को कि अभी जो चूँकि रबी फसल का विस्तार हुआ है, सीजन हुआ है, ऐसे समय में जो आपको इस पर संवेदनशीलता दिखाई।